समाजवादी पार्टी के, क्योंकि सभी नेताओं का अगर मैं नाम लूंगा तो समय उतना नहीं है कि मैं सबके नाम ले पाऊं। इस मंच पे उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय कुंवर रेती रमण सिंह जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय अहमद हसन जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी यहाँ पर पिछले कई दिनों से चुनाव लड़ा रहे पार्टी के नेता आदे बलाम यादव जी यहाँ पर उपस्थित, क्योंकि हमारे पीछे अंसार साहब बैठे हैं, हमारे हाजी साहब बैठे, रिजवान साहब बैठे हैं, सुरे इंद्र जी सरोज जी से लेकर के हमारे पार्टी के शैलेन्द्र जी से लेकर के बड़ी संख्या में हमारे सभी नेता हैं। उससे ज्यादा मैं देख रहा हूं इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे तमाम सभी आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई, मजदूर और बड़ी संख्या में नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं। मैं सबसे पहले फूलपुर लोकसभा की जनता का बहुत आभार प्रकट करता हूं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। और जब से मैं सुबह उतरा हूं, सड़कों पे जिस तरीके से लाल चोपी लगा करके और जितने भी दल हमें सहयोग कर रहे हैं उनके बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हमें सड़कों पे मिले हैं, मैं उन तमाम कार्यकर्ताओं का और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित कार्यकर्ताओं का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। ये जोश बता रहा है कि यहां पर नौजवान प्रत्याशी नागेंद्र प्रताप सिंह जीत करके इस बार लोकसभा में जाएंगे। ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। मैं अपने तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है और इस चुनाव में सहयोग मिला है, बहुजन समाज पार्टी का सहयोग मिला है, निजात पार्टी का सहयोग मिला, पीस पार्टी ने सहयोग कर दिया, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने सहयोग कर दिया, हमारे बिंद लोग हैं उनकी पार्टी चल रही उन्होंने भी हमारा सहयोग कर दिया, और तो और आज तमाम पार्टी के नेता आपकी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। जो आपका एक नेता मौर्य भूल के चला गया था, आज वो फिर आपके साथ फिर जुड़ गया है, वो भी खड़ा है, संजय मौर्य। इसलिए मामूली चुनाव मत समझना, मैं सभी दलों के नेताओं का धन्यवाद देता हूं और मैं अपील करता हूं पूरी जनता से कि इस बार एक एक वोट साइकिल चुनाव चिन्ह पर डाल देना और ऐतिहासिक जीत दिला करके लोकसभा में नागेंद्र प्रताप को भेज देना। हम तो कहते हैं चुनाव जब 2014-17 हुए थे, बताओ बीजेपी ने कितने वादे किए थे। बीजेपी के वादे अगर मैं कहूं और मैं अगर जनता को वादे याद दिलाऊं तो हो सकता है कल वोट और परसों जब वोट पड़ने लगेगा तब तक हम वादे गिनाते रहेंगे। हम पूछना चाहते हैं बीजेपी के लोगों से, अगर एक भी वादा उन्होंने पूरा किया हो तो हमें बता दो कि कौन सा वादा उनका पूरा हुआ है। याद करें हमारे किसान भाई, याद करें हमारे किसान भाई, उनसे कहा था कि आपका हम कर्ज माफ कर देंगे, हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बना दो। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सरकार बनाओ, हम आपका कर्ज माफ कर देंगे। हम अपने किसान भाइयों से पूछना चाहते हैं, बताओ कितना किसानों का हमारा कर्ज माफ हुआ है। कर्ज माफ होना तो दूर, जो उनकी आमदनी आय बढ़ाने की बात थी, ना आय बढ़ी ना आमदनी बढ़ी, मजबूरी में किसान को गरीब को आत्महत्या करनी पड़ रही है। आज उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर किसानों ने आत्महत्या की है। इन्होंने वादा किया था हमारे नौजवानों से कि 2 करोड़ नौकरी हर साल हम नौजवानों को दे देंगे। हम पूछना चाहते हैं नौजवानों से, फूलपुर के तमाम नौजवानों से,
इलाहाबाद के नौजवानों से बताओ कितनी नौकरी मिली है, कितने रोजगार दे दिए इन्होंने? कोई रोजगार नहीं। नोटबंदी और जीएसटी ने कहा, नोटबंदी और जीएसटी से कहा बीजेपी के लोगों ने कि हमारे रोजगार और काम मिल जाएगा। जब से नोटबंदी हुई, जीएसटी आई, हमारे मजदूरों का काम छिन गया, हमारे नौजवानों का रोजगार छिन गया। कोई पूछने वाला नहीं है आज कि रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और रोजगार के सवाल पर सरकार घिर गई। हम तो पूछते हैं, 5 बजट दिल्ली के सरकार के आ गए, बताओ दिल्ली की सरकार ने कोई काम किया हो तो बता दो। दिल्ली के सरकार का बजट अगर गरीब किसान के लिए पहुंचा हो तो हमें एक योजना के माध्यम से बता दो। नहीं पहुंचा। अगर पहुंचा हो तो बताए कोई। और फिर भाषा कैसी हो गई, जब से बहुजन समाज पार्टी ने हमें समर्थन दिया, हमारे नौजवान नागेंद्र प्रताप को समर्थन दिया, बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भाषा क्या हो गई? यही मुख्यमंत्री आपके यहां आए हैं कई बार और कह रहे हैं कि ये जो समझौता हुआ है, ये जो गठबंधन हुआ है, ये सांप और छछूंदर का गठबंधन हुआ है। हम पूछना चाहते हैं, उन्हीं मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि बताओ कौन है। अभी तो हमने चुनाव के पुराने हिसाब किताब नहीं निकाले हैं। आखिरकार हमें और आपको क्या बना दिया? सांप और छछूंदर बना दिया। हम संकल्प लें कि जब वोट पड़ेगा तो असली सांप और छछूंदर कौन होगा उसके बाद पता लग जाएगा। कैसी भाषा बदल गई। बीजेपी बीएसपी और समाजवादियों से घबरा गई। अगर उत्तर प्रदेश में जात का और परिवार का खेल किसी ने खेला तो वो भारतीय जनता पार्टी ने खेला। पिछला चुनाव आपको याद होगा, हम तो काम के आधार पे आपसे मदद मांगने आए थे, मदद मांगी थी काम के बहाने, लेकिन बीजेपी के लोगों ने जात और धर्म के खेल में हम सबको पीछे करने का काम किया। अगर किसी ने जातिवादी राजनीति की है देश में तो वो भारतीय जनता पार्टी, और धर्म के बीच में अगर किसी ने जहर घोला है तो वो भारतीय जनता पार्टी और उनके बड़े बड़े नेता हैं। भाषा ऐसी बदली, उन भाषाओं के बारे में हम क्या बोलेंगे। और लोगों ने भी बहुत कुछ कहा है, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया, और ये इसलिए बोल दिया उन्होंने कि वो खिसिया गए हैं। जो खिसिया जाता है उसको पता नहीं लगता कि किस रास्ते जाना है। इसीलिए कभी सांप छछूंदर, कभी दोनों है, चोर चोर मोसेरे भाई, यही तो भाषा इस्तेमाल की हमारी और आपके बारे में। जब मैं एक्सप्रेसवे बना रहा था तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं बैकवर्ड हूं। मैंने उत्तर प्रदेश में 18 लाख लैपटॉप बांट दिए, हमने कभी नहीं सोचा कि मैं बैकवर्ड हूं। हमने तमाम अपनी माताएं बहनें जो गरीब थीं, उन्हें 55 लाख महिलाओं को हमने समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम किया। हमने कभी नहीं सोचा कि हम बैकवर्ड हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं बीजेपी के नेताओं को कि उन्होंने कम से कम हमें बैकवर्ड समझा और बता दिया कि तुम फॉरवर्ड नहीं हो, तुम बैकवर्ड हो। हम उनका धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं बीजेपी के लोगों से, हम कितने भी बैकवर्ड हों लेकिन हमारे काम इतने फॉरवर्ड है कि अगर आप करना पड़े तो आप पूरे नहीं कर सकते। हम तो कहते हैं अगर फॉरवर्ड हो तो हमने 23 महीने में सड़क बनाई थी एक्सप्रेसवे, 23 महीने में, और लड़ाकू विमान उतार दिए थे। हम तो कहते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस बना के दिखा दो, हमने 23 महीने में बनाया था, आप 22 महीने में बना करके दिखा दो, हम मान जाएंगे कि हम बैकवर्ड हैं, आप फॉरवर्ड हो। और इधर सुना है हमने और आपने और देखा भी है कि हर चीज आधार से जुड़ती चली जा रही है। हम अगर कोई रजिस्ट्री करेंगे अपने खेत की तो आधार से जुड़ जाएगी। हमारा राशन कार्ड आधार से जोड़ दिया, हमारे पूरे परिवार को आधार से जोड़ दिया। आज तो मोबाइल आधार से जुड़ गया, सिम आधार से जुड़ गया। और कभी कभी बीजेपी के लोग हमें और आपके बीच में झगड़ा लगा देते हैं, हमसे कहते हैं, और कभी कभी ये फैला देते हैं कि सब यादव ले गए।
कोई नौकरी थी वो भी यादव ले गए, यही कहते थे कि सब कुछ ले गए। हम आपको कहना चाहते हैं, हमने कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात नहीं होगी, लेकिन बीजेपी के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जब हर चीज आधार से जोड़ रहे हो तो हम भी तैयार हैं आधार से जोड़ने के लिए, हमें भी आधार से जोड़ दो और कम से कम गिनती बता दो कि आखिरकार देश में समाज में कौन कितना है। ये बीजेपी के लोग कभी झगड़ा लगाते हैं, यादव ने कुर्मी का झगड़ा लगा दिया, यादव से मौर्य का झगड़ा लगा दिया, यादव से दूसरी जातियों का झगड़ा लगा दिया और कहते हैं कि गिनती में हो ही नहीं आप। हम तो कहते हैं हम किसी से नहीं लड़ना चाहते, हम झगड़ा भी किसी से नहीं करना चाहते हैं, हम किसी से नफरत भी नहीं करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि देश मजबूत हो, समाज मजबूत हो। अगर देश और समाज को मजबूत चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आपकी गिनती करनी पड़ेगी। और हम तो कहते हैं जो संविधान रास्ता दिखाता है कि गिनती के आधार पर, आबादी के आधार पर हमें हक देने का काम कर दो, हम किसी से झगड़ा लगाने वालों में से नहीं है। और फिर ये क्षेत्र तो उप मुख्यमंत्री का है, ये क्षेत्र तो उप मुख्यमंत्री का है, बोलो उप मुख्यमंत्री की भाषा कैसी हो गई है? ये उप मुख्यमंत्री की भाषा का पता नहीं, ये पहले भी बैकवर्ड थे, उप मुख्यमंत्री बनने के बाद भी बैकवर्ड रह गए। आपने सुना होगा एक बार मुख्यमंत्री कहीं चले गए, एक बार मुख्यमंत्री लखनऊ में नहीं थे, यही उप मुख्यमंत्री मौर्य जी ने कब्जा कर लिया था शास्त्री भवन में जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, कुर्सी पर बैठ गए, नाम लिखवा दिया, डीजीपी होम सेक्रेटरी और सबकी मीटिंग कर ली, और मीटिंग के बाद जब मुख्यमंत्री को पता लगा तो वो कुर्सी भी छीन ली और वो जो नाम लिखी हुई पट्टी थी उसको भी उठा करके डस्टबिन में फेंक दी। यही हैसियत है ये उप मुख्यमंत्री की। अगर एक बात गलत हो तो एक वोट मत देना मौर्य समाज के लोगों, अगर अपमान हुआ है तो एक एक वोट मौर्य समाज से मैं कहना चाहता हूं वोट डाल देना समाजवादी पार्टी पर। और फिर बहुत बार हो रही है भ्रष्टाचार पर, बेईमानी पर बहुत बात हो रही है, हम आप इन समझदार लोगों की समझ को नहीं समझ पाएंगे। अभी नोटबंदी के बहाने पूरे देश के गरीबों का पैसा बैंक में जमा करा दिया, ये जो बैंकें खाली पड़ी हुई थी इन बैंकों में पैसा कोई लेने वाला नहीं था और बैंकों की भी हैसियत नहीं थी कि पैसा किसी को दे दे कारोबार खोल लिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया नोटबंदी कर दी और नोटबंदी के बहाने एक एक गरीब का पैसा बैंक में जमा करा दिया। और जब बैंकों में पैसा जमा हो गया तो बताओ कौन पैसा लेकर के चला गया, आप जानते होंगे। ये बीजेपी के लोग कहते थे और मुझे याद है यहां पर प्रधानमंत्री जी आकर के कहे थे कि थाने अगर कोई चला रहा है तो वो यादव चला रहे हैं थाना। आज हम पूछना चाहते हैं कि कौन थाना चला रहा है, किसके नीचे पुलिस चल रही है, ये भी हमें बता दो। आज जो जाति की आधार पर बात करते थे, कम से कम आज बताओ कि कौन सी जाति कहां पर बैठी है, आज हिसाब किताब क्यों नहीं देते हो? और फिर जो पैसा लेकर के चले गए, कोई भी पुलिस का अधिकारी होता था अगर उसके नाम पर यादव लिखा था तो कहते थे ये रिश्तेदार है, यही कहते थे रिश्तेदार है। हम भी पूछना चाहते हैं अगर यादव यादव रिश्तेदार है तो बताओ पैसे लेने वाला रिश्तेदार किसका है, जो विदेश चला गया वो भी रिश्तेदार किसका है, कम से कम ये तो हमें बता दो कौन है किसका रिश्तेदार। अगर यादव यादव का रिश्तेदार हो सकता है तो फिर बैंक का पैसा ले जाने वाला भी रिश्तेदार किसी का हो सकता है। इसलिए साथियों ये चुनाव देश का चुनाव है, ये देश की राजनीति को बदलने वाला चुनाव है। अब क्या याद दिला रहे हैं बीजेपी के लोग, गेस्ट हाउस वाली बात याद दिला रहे हैं, गेस्ट हाउस वाली याद दिला रहे हैं। बताओ समाजवादी साथियों, बहुजन समाज पार्टी की नेता का कभी हमने नाम लिया होगा तो बुआ के अलावा कुछ कहा हो तो बता दो हमें आज। अगर किसी ने सम्मान किया है
तो हम समाजवादी लोगों ने सम्मान करने का काम किया था। और हम पूछना चाहते हैं, बड़ी रामायण जानते हो आप, रामायण के बारे में बहुत कुछ जानते हो, अरे आपके कहने से भगवान आ जाते हैं, तो हम पूछना चाहते हैं असली भगवान कब आएंगे? बंबई वाले नकली भगवान तो आपने अयोध्या में बुलाए थे, असली भगवान अगर आ गए तो किसी को सजा देंगे, तो इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सजा देने का काम करेंगे। बताओ, भगवान के नाम पर जनता को धोखा दे दिया हो, जो भगवान के राम के नाम से धोखा देते हो, और फिर कोई काम, कोई एक भी वादा पूरा किया हो तो बता दो। इसलिए हम किसान भाइयों से कहना चाहते हैं, माताओं बहनों से, नौजवान साथियों से, ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये देश में नई राजनीति, नया रास्ता बनाने का चुनाव है। और जब इतने दल आपके साथ आ गए तो बताओ कौन जीतेगा, यहां पर कौन जीतेगा? जब एक एक वोट पड़ेगा और फिर हमारा प्रत्याशी तो हमारे आपके घर के पास रहने वाला प्रत्याशी है, ये आपका बेटा है, गरीब बेटा आपके बीच के रहने वाला है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है पता नहीं कहां से पैराशूट लेकर के आया है। हमने अपने प्रत्याशी से पूछा, हमने इनसे कान में पूछा, ये बताओ तुम्हारा कोई पत्नी से झगड़ा तो नहीं है? हमारा भी कोई पत्नी से झगड़ा नहीं है, बताओ झगड़े वालों को जिताओगे? इसलिए आपका प्रत्याशी आपके बीच का है, आपके घर का है, इसकी मदद करो, इसका सहयोग करो। और ये परिवर्तन जो यहां से दिखाई देगा, यहां से लेकर के गोरखपुर तक परिवर्तन दिखाई दे रहा है, याद रखना हमारे गोरखपुर के तमाम वर्गों ने फैसला ले लिया, सब समाज एक हो गया है वहां, उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार समाजवादियों की मदद करने जा रहे हैं। हम फूलपुर की भी जनता से पूछते हैं, ये फूलपुर की जनता बहुत पुरानी समाजवादी जनता है, अगर कभी भी परिवर्तन हुआ था तो डॉक्टर लोहिया जो हमारे नेता रहे और उन्हीं के नाम से जाने वाले छोटे लोहिया ने यहां से परिवर्तन कर करके एक राजनीति को नई दिशा देने का काम किया था। ये हमारी इलाहाबाद फूलपुर की जनता, हम तो जानते हैं हम समाजवादी लोग हैं और हम तो कन्नौज के रहने वाले हैं, वहीं से चुन करके आते हैं, हम तो खुशबू देख करके, और अगर खुशबू उड़े तो हम बता देते हैं कि ये खुशबू किस फूल की आई है। हमें तो फूलपुर से खुशबू इस बात की आ रही है कि यहाँ साइकिल जीतने वाली है, यहाँ की मिट्टी से भी यही खुशबू आ रही है कि ऐतिहासिक वोटों से नागेंद्र प्रताप जिसवा जीतने जा रहे हैं। इसलिए आप सबसे मेरी अपील है, मेरी आप सबसे प्रार्थना और खासकर नौजवान साथियों आप से अपील है, जहां किसान भाई हमारी मदद कर रहे हैं उनके साथ धोखा हुआ, कर्ज माफी को लेकर के कोई फसल का पैसा नहीं मिला, विकास के नाम पर धोखा दे दिया, 5 साल के बजट में कुछ नहीं दिया, और उत्तर प्रदेश की सरकार के 2 बजट आ गए, 2 बजटों में बताओ गरीब तुम्हें क्या मिला है? कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। इसलिए ये दिल्ली की रास्ता दिखाने के लिए और उत्तर प्रदेश की सरकार को भी सबक सिखाने के लिए कि ये जात और धर्म पर वोट नहीं पड़ेगा, ये विकास के रास्ते को दिखाने वाला वोट पड़ेगा। हम फूलपुर की जनता से अपील करते हैं कि नागेंद्र प्रताप जी को जिता देना, एक एक वोट इनके हिसाब में डाल देना, क्योंकि वोट ही गिना जाएगा, ये नारे, ये खुशी, ये जोश नहीं गिना जाएगा, गिना जाएगा तो हमारा आपका वोट गिना जाएगा। हम विकास में वोट मांग रहे थे तब बीजेपी के लोग जात और धर्म पर वोट मांग रहे थे, इस बार हम विकास के साथ साथ हमने समीकरण भी बनाने का काम किया है, इसलिए विकास और समीकरण को इस बार जिता देना, यही समीकरण, यही विकास का रास्ता हम प्रदेश और देश के सामने रखना चाहेंगे। इसलिए गरीब
तमाम अपने साथियों का धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं और इस भरोसे और इस उम्मीद के साथ कि जब रिजल्ट आएगा, जब परिणाम आएगा तो वो समाजवादियों के पक्ष में आएगा। ए लाल टोपी लगाने वाले साथियों, कोई कह रहा कि लाल झंडा हटा दिया तो लाल टोपी भी हट जाएगी। ये हमारा आपका खून लाल है, इसीलिए हमारी टोपी भी लाल है। बताओ खून का रंग क्या है, क्रांति का रंग क्या है, और हमारी लाल टोपी भी उसी का निशान है कि जीत करके समाजवादी पार्टी जाएगी इस बार। बताओ टोपी का सम्मान, लाल रंग का सम्मान रखोगे कि नहीं रखोगे, बताओ। और ये भगवा वालों से मैं कहना चाहता हूं, कोई नाराजगी नहीं है हमारी उनसे। जो लाल टोपी, लाल खून, क्रांति को नहीं समझ पा रहे हैं, कम से कम अपना भी खून देख लें, वो भी लाल निकलेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रंग नहीं निकल सकता। इसलिए जात में और धर्म में लड़ाना छोड़ दो, आप कम से कम विकास करो समाजवादियों जैसा। एक्सप्रेसवे 23 महीने में बना दिया, सरकार बन गई होती तो आपके अब गाजीपुर बलिया भी जुड़ गया होता और इलाहाबाद भी जोड़ देते। लैपटॉप बांट दिया और दुनिया का सबसे बेहतरीन लैपटॉप बांटा, जहां कहीं भी होगा, आज भी किसी गांव में या किसी मोहल्ले में होगा तो आज भी हमारा लैपटॉप चल रहा होगा, और लैपटॉप जब ऑन होता है तो हम और नेताजी उसी में दिखाई देते हैं। इसलिए जो विकास का रास्ता है उसके साथ साथ हमारे समाजवादी प्रत्याशी नौजवान साथी हैं, इन्हें भी मदद कर देना, सहयोग कर देना, एक एक वोट साइकिल पर डाल देना। यही निवेदन, यही अपील करने आया हूं। और मैं तमाम नौजवान साथी, तमाम साथियों का धन्यवाद दूंगा जो सुबह से चल करके आए हैं, सुबह से चल करके जो लोग आए हैं, हालांकि पसीना निकला होगा, मेहनत ज्यादा पड़ गई, जब सोओगे तो पता लगेगा शरीर कितना दर्द कर रहा है, लेकिन दर्द की परवाह मत करना, 11 तारीख को वोट डाल देना। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने तमाम नेताओं का धन्यवाद देते हैं और अंसार जी का बहुत धन्यवाद देते हैं, और अपने बहुजन समाज पार्टी इन्होंने सहयोग किया उनका भी धन्यवाद देता हूं, जो और दल के हमें सहयोग कर रहे हैं उनका धन्यवाद देता हूं, ये बिन समाज की जो पार्टी उसका धन्यवाद देता हूं, और जो सर्रे मौर्य लौट करके आ गए इनका भी बहुत बहुत स्वागत। इसके साथ साथ जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं आज, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो रैली से पहले हमने जो सड़कों पर रैला देखा, शायद ही ऐसा इलाहाबाद में किसी पार्टी ने ऐसा रैला और रैली देखी होगी, इतनी बड़ी रैली और इतना बड़ा रैला किसी ने नहीं देखा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि किसान की आवाज और नौजवान की आवाज नागेंद्र प्रताप के नाम से बनकर के लोकसभा में दिखाई देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। इस सभा की अध्यक्षता माननीय कुंवर साहब कर रहे हैं। मैं आदरणीय कुंवर साहब की इजाजत से, उनकी तरफ से, कुंवर साहब की तरफ से आप सबका इस सभा में आने में धन्यवाद।